हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कपूड़ी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। स्वागत है दोस्तों, सादर स्वागत है आपका। ऐसे कर सूरज पहले पापा को ससुर कराने, उनको फ्रेश व्रेश कराने। ये क्या वीडियो बना रहा है सुबह सुबह, पहले पापा का काम कर। झेल लो अमड़ी को, तो तू उधर चल, फिर तेरे को भी कराने चलूंगा, ठीक है? बहुत जिम्मेदारी है मुझ पे। इधर ले, इधर 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 ले, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। अच्छा अच्छा अच्छा, यार रुक जा, मैं आ रहा हूँ ना थोड़ी देर पापा का काम करके। कपूरी जी को हमने बंद कर दिया है और इस रूम में मेरे पापा तो आ चुके हैं। हम हमारे पापा के रूम में और देख सकते हो पापा की स्थिति अभी। आप कैसा लग रहा है पापा आपको अभी? हालत ठीक है आपकी? बोल के सुन रहे आप, बोलते थे आप तो हाँ। घबराहट हो रही है। अच्छा घबराहट हो रही है, ये अभी क्या है दोस्तों? इनको उठा के हम सूसु और फ्रेश करा के लाए तो थक गए वो थोड़ा सा आने जाने, क्योंकि यहाँ से लेके कुर्सी लगा के और बहुत स्थिति करनी पड़ती है दोस्तों। मैं आपको स्थिति बता देता हूँ उनकी। ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ पर हल्की सिलाई हो रखी है इस जगह पर, एक तो है इस जगह पर, और इस जगह पर दोस्तों बुरी तरह से पाँव फटा था, कट के यहाँ से कटा और यहाँ से पूरा फट गया है। इसके वजह से ऑपरेशन भी हुआ इनका और पाँव थोड़ा सा, जो पाँव की हड्डियाँ होती है वो भी इधर उधर सरक गई थी, देखा नहीं गया था। मतलब आज ड्रेसिंग भी कराने जाएंगे हम इनकी। फिलहाल अभी ठीक है पापा की स्थिति। बाकी ऊपर के सिरे में अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर इनकी एक उंगली है, जो अपनी याली उंगली होती है, इस जगह पर क्रेक आया है, इसलिए प्लास्टर बांध रखा है। लेकिन ऊपर का इतना रिस्की नहीं जितना पाँव नीचे का रिस्की। इनके लिए बढ़िया फल आ रहे हैं, ये देखिए मम्मी फुल सेवा कर रही हैं, ये अनार और सब चीज़ें आ रही हैं इनके खाने की। तो ठीक है, तो आपने जो पूछा था कि अपडेट बता देना, तो मैंने बता दिया है। पापा की अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत भयानक स्थिति हो गई थी। बहुत अच्छा हो सिर की चोट नहीं है, वरना बहुत भारी पड़ जाता मामला, पाँव में इतना भारी पड़ गया। क्योंकि चलिए आपको अपडेट दे दिया, अब गपूड़ी जी को भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि पापा का प्रेशर तो रिलीज करवा दिया गया है। अब गपूड़ी जी का प्रेशर रिलीज करवाना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी है मुझे प्रेशर की। मम्मी से बोलना पड़ता दोस्तों गेट लगाने का। हाँ गेट लगा लो बढ़िया, क्योंकि गपूड़ी क्या है उधर कूद जाए पापा की टांग पे जाके, तो अभी बहुत नाजुक टांग की स्थिति है। आ जा गपूड़ी। आ गई, करने क्या, मैं उधर ही जाऊंगी। ये उधर ही जाएगी, चल तेरे को फ्रेज करा के आऊं। ये देखो अब इस लड्डू कुमारी को भी फ्रेज कराने जाना पड़ेगा। कहाँ पटा, कहाँ पटा, पट्टा का पट्टा, पट्टा का तेरा पट्टा। अरे मेरे को क्या याद, मेरा पट्टा तेरे को दिया था ना मैंने, तो मेरे को क्यों देती तू? मेरे को लगा तेरे काम आ जाएगा, तू बांध के घूम लेकर। डांस भी करती है पट्टे के लिए, तो आ जा पट्टा चोर, मेरी पट्टाड़ी। हाँ चलो 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 चलो, कितनी खुश होती घूमने के लिए, घूमने चलूंगी। अरे गेट खोलना पड़ेगा लेकिन घूमने के लिए। चलो चलो घूमने चलो, घूमने चलो, घूमने चलो रे गपूड़ी भैया, तो फुटबॉल की तरह चकरा। चलो सुसु करने चलो, कस्टमर वेट कर रहे हैं। तो ये आ चुकी है हमारी गपूड़ी और इसने लगाई है जबरदस्त तोड़, फुल प्रेशर है इसके। देखिए कितना भयंकर प्रेशर है कि सबसे पहले जाके इस झाड़ी पर रिलीज करती है। इसने झाड़ियां भी चुन रखी है कौन से झाड़ी पे प्रेशर रिलीज करना चाहिए और कौन सी भी नहीं करना चाहिए। अरे यार यही तो हमारे एरिया की खास बात है, मैं इसे तो अपना लोकेशन बनाती हूँ ताकि दूसरे डॉग्स मेरे को परेशान नहीं करें। दे लो ओमड़ी को। ये क्या है दोस्तों, हमारे पड़ोस में जो डॉगी रहती है ना, उसके सूसु को ढूंढती है कि वो कहाँ कहाँ करके गई, वहीं मैं भी करूंगी ताकि गले में दबंगई दिखाऊंगी, दबंगई दबंगई। ये देखिए यहाँ पेड़ पे भी करेगी, निकराज नहीं करती है, सब समझती बातें। ये देखिए लोकेशंस दिखाता हूँ आपको मैं आज हमारी प्यारी गपुड़ी की, ये कहाँ कहाँ सुसु करती है, कभी फर्स्ट पेड़ छोड़ती है तो कभी दूसरा पेड़ पर करती है। मेरे को लग रहा है आते टाइम करेगी फर्स्ट पेड़ पर, लोकेशंस डिफाइंड है यहाँ पर, देख सकते हो गाड़ी के टायर पर भी करेगी, ये भी सब जगह करेगी सुसु। चल चल, ये हमारी गली और यहाँ का ऐसा माहौल चल रहा है, इधर बेटा धूप के जैसे देखे कैसा मौसम हो रहा है। ये देखिए आजा, चल चल चल, मम्मी का पार्लर स्पर्श ब्यूटी पार्लर, यहाँ भी आ सकते हो आप पता करके, हाँ स्पर्श ब्यूटी पार्लर। अरे भागा, बहुत मेहनत करता हुआ हमारा गपूड़ी गली के टायर्स में भी सुसु करता हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो सौरभ की लाइव कवरेज में। और ये पतझड़ आ चुका है, पत्ती पत्ती हो रखी है। गोलूड़ी कबूतर, कबूतर देखो कबूतर को कैसे देख रहा है, कबूतर कबूतर कबूतर, ये रहे कबूतर। अरे कबूतर कबूतर क्या कर रहे हैं, मेरे को सुसु ढंग से करने दे, मेरा फोकस हट रहा है सुसु करने से, टांग ऊंची करके करती हूँ चुचू। ऐसा खराब है दोस्तों, ये रात में जंगल में घुसने की कोशिश करता है और यहाँ सांप सलोटे हो सकते हैं, इसलिए मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी हड़ियल लोमड़ी से क्या बताऊँ, ये नहीं मानती है, इसको जाना होता तो जाती है। अभी देखिए फ्रेश अंदर जाके होगी जंगल के,
जंगल में हकने का मजा तुम क्या जानो सौरभ बाबू। भेलोमड़ी को ये बात कल्ला पोटी पट्टी करो टिकर 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 देख कुछ हिल भी रहा उधर। इधर आ बेटा इधर आ जा। हाँ पट्टी करो ऐसे बोलना पड़ता है दोस्तों तभी करती है। गाना गाना पड़ेगा पट्टी करो वट्टी 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 तो नहीं लेकिन सुसु कर लेती हूँ यहाँ पर भी। देख बहुत तमाशे करता है गप्पूड़िया। देखो झाड़ी में निकल रहा है आ रहा है जा रहा है और ऐसे पौधे से निकलता है जहाँ खुजली वाले पौधे टाइप ये जो रहते हैं ना ये इससे खुजली होती है दोस्तों थोड़ी वहीं निकलेगा ये बहुत अड़ियल बच्चा है इसको मना कर रखा है। देखो 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 झाड़ी में घुस घुस के अड़ाता है जो ये दाने पड़ जाते हैं इसके शरीर पे ऐसे फिर खुजली मस्ती हल्की हल्की फिर मेरे से कुछ रोता है। हटा इसको साफ करो कर ले अब जल्दी प्रेशर बना ले टाइम वेस्ट मत कर। आज गली में टोकरी जवान काड़ू बुढ़ा काड़ू ये नहीं दिख रहे पर ना इस टाइम पर ये ना आ जाते हैं बिस्कुट खाने आ जाते हैं दोस्तों इस टाइम पे। बाकी दूध रोटी रात में मिलती है बाकी अभी गली में नहीं दिख रहे बिल्कुल सुन्नाट गली लग रही है आज वरना अभी तो वही भी आ जाते हैं इसके साथ वो भी घूमते थे साथ साथ। चलो आखिरकार मुझे लोकेशन मिली गई कर लेती हूँ बोटी घूमो रे घूमो। तो ये गपुड़ी जी जो है इनको फाइनली मिल चुकी है दोस्तों पोटी की लोकेशन। अब ये करेंगी यहाँ पर पोटी। चलो 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 एट बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ इतना लंबा लंबा एट मत बनाओ बहुत बड़ा बड़ा एट बना रही है। एट बनाती है दोस्तों फिर घूमती है फिर करती है या बस। देखो दूसरे के मकान के सामने मत करे कर अच्छी बात नहीं बेटा ऐसे। अरे मम्मी कर देगी साफ चिंता मत कर। देख मम्मी के भरोसे वैसे हमारी कॉलोनी हम ध्यान रखते हैं दोस्तों साफ सफाई का इसलिए ठीक है कर दी गई है यहाँ पर पोटी। अब जवानी दिखाई जाएगी ये जवानी है जवानी 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 दिखा दी जवानी पूरी पोटी करने का जवानी को जबरदस्त आती है बच्चे की। अब ये हमारे गपुड़ी जी गली को निहारते हुए कि गली में कौन कौन आ रहा है ये पूरी गली का नजारा। फिर ये गुप्ता जी की दुकान पे जाती है बिस्कुट लेने। तो आ चुके हैं दोस्तों हम गुप्ता अंकल जी की दुकान से बिस्कुट लेके जो कि गली के डॉग्स के लिए होते हैं आएंगे जो खिलाएंगे उनको। तो आ चुकी है हमारी गपुड़ी धनों के बाड़े में। गपुड़ी तो मस्ती कर रही है दोस्तों लेकिन आपको बताऊं जो यहाँ पर गाय रहती थी वो पता नहीं एक दिन चरने गई थी अब उसको नगर निगम वाले लेके गए जाने किसी ने उसको बांध ली क्योंकि वो प्रेग्नेंट टाइप थी दोस्तों एक गर्भवती टाइप और बच्चा होने वाला था उसका तो उसको किसी ने बांध ही लिया। जब से ने खूब ढूंढा नगर निगम वाली जगह में पता कि गौशालाओं में लेकिन नहीं मिली तो जो धनोड़ी थी वो गुम चुकी है दोस्तों इसलिए गपुड़ी जी उसके घर में खुले सांड की तरह घूम रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। और जंगल कैसा हो गया बोला पहले गाय रहती थी कितनी अच्छा जगह रहती थी ये पूरी जगह उजड़ गई आप देख लो थोड़ी सी देर में। चल चलो बाय गपुड़ी कांटे लग जाएंगे चल आ जा। ये आई थी चेक करने धनों का बाड़ा। अरे यार बेटा रुक जाया करना थोड़ा सा क्या यार तेरे क्या दिक्कत क्या है तेरे एक जना अकेला क्या क्या करेगा यार। भाई गप्पूड़ी भाई गप्पूड़ी नहीं 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 कूदना मत देखो कैसे डरता है दोस्तों भाई चल और नहीं कूद मत कूद मत कूद मत गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे। चल 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 आ रहा हूँ आ रहा हूँ मजाक कर रहा था। अरे मजे ले ले इधर लग जाएगी इधर देख 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 देखो बाड़ा तोड़ के घुस गया। चल इसको छोड़ के आता हूँ बाड़ा सही करना पड़ेगा तो सर। सर मुझे कोई बाड़ा नहीं रोक सकता मजा है ना बाड़ा तोड़ के आ गई मैं। देख ये बाड़ा तोड़ के आ गई दोस्तों ऐसे ये गाय माता का चारा भी आ चुका है दोस्तों अभी चारा डालने जाएंगे पहले इस गपुड़ी जी लुच्ची बाज गपुड़ी को छोड़ते हैं अंदर। हमारी गपुड़ी ने जो करतूत करी थी दोस्तों उस करतूत को मैंने सही कर दिया है देख लो दोस्तों ये पूरी तरह से बाड़ा मस्त मजबूती से वापस बांध दिया है ताकि बंदा रही है पहले जैसा जैसा हो ये देखिए हो चुका है पहले जैसा बट गपुड़ी को कोई नहीं रोक सकता आज मैंने देख लिया मेरे को लात मार के घुस गई हुई इधर से। और इधर कोने मेरे घर आए मेरे प्यारे मेहमान जवान काड़ू इसका नाम दोस्तों क्योंकि जवान है ये। और ये देख सकते हो ये बुढ़ा है थोड़ा इसलिए इसका नाम बुढ़ा काड़ू है। ये आ गए हैं यहाँ पर सुबह सुबह इनकी ड्यूटी लगती है बिस्कुट खाने की आज बेटा। तो ये डोली डाक के मुझे जाना पड़ रहा है दोस्तों वापस क्योंकि मैं गपुड़ी को तो ले आया था लेकिन हमारा बिस्कुटड़ी हो यहीं रह गया था। ये देख सकते हो बिस्कुट का पैकेट एक दो मीठा बिस्कुट भी है बाकी मेरी गोल्ड लाता हूँ दोस्तों मैं डॉग्स के लिए लेकिन क्या करूँ यार वो कभी कभी फ्लेवर मांगते थोड़ा सा तो उनको थोड़ा सा देता हूँ कभी कभी मिठास के लिए हल्का फुल्का बाकी क्या करें। ले बुढ़ा काड़ू मेरा बुढ़ा काड़ू खा ले बेटा बुढ़ा आड़ू। ये बुढ़ा काड़ू के लिए दोस्तों यहाँ बिस्किट और पानी की सुविधा बाकी का बुढ़ा काड़ू को रात मिलेगा। अभी तो डॉग फूड भी बीत रखा है वरना मैं उनको रात में देता हूँ डॉग फूड बट अभी कुछ नहीं है व्यवस्था इसलिए बेटा काम चला ले। सर तू हमारे लिए थोड़ा बहुत जीविका का काम करेगा वो भी बहुत है दुनिया तो इतना भी नहीं करती हमको पत्थर मार के भगा देती है।
हाँ बेटू क्या करे, राक्षस लोग, चिंता मत कर, भगवान जी सबका साथ देते हैं। श्री हरि नारायण, भगवान विष्णु, कृष्ण 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 कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वाह बेटा वाह, आजा 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 आजा। ये क्या है, जब से दोस्तों डरने लग गया, जब से मैंने इसे कान का उपचार किया था ना, जब से दूर दूर भगता है मेरे से डर के मारे। लेकिन आजा बिस्कुट खा रहा हो तो आजा 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 ले आजा। नहीं खाएगा शायद, मूड नहीं है इसका, रात में खाएगा ये बिस्कुट। और डॉक्टरी का डॉक्टरी डॉक्टरी का लोग भी है दोस्तों, ये पता नहीं डॉक्टरी किधर है, छोटी सी गाती है डोगी, हालांकि वो जवानी है, ज़्यादा डॉक्टरी नहीं है, लेकिन फिर भी पाड़ रखा है। बहुत प्यास लगती है दोस्तों गर्मी में, ये देखिए कैसे पी रहा है, पानी की प्यास लग रही है इसको। देखो रात में ही आएगा वो, चला गया वो बोल के मेरे से। बिस्कुट यहाँ ही रख दिए थे मैंने इसके लिए, थोड़ा सा देख रहा था मैं डेमो डाल के बिस्कुट। बट अब तू भी आ जा रहा हो तो सब फुले दोस्तों आज। ये जा रहा हमारा आदरणीय नहीं उर्फ मरियल मरियल पूजा के लिए, गेहूं लेने तो गेहूं खदर से। अच्छा चक्की पे जा रहा है दोस्तों ये गेहूं लेने, हम भी चलते हैं इसके साथ चक्की पे गेहूं लेने। ये बिस्कुट यहीं पटक देता हूँ, आके खा लेगा दोस्तों। और इतना बड़ा ट्रक क्या कर रहा है भैया ट्रक, ये वाह गेहूं की दुकान बंद है दोस्तों, ये आटा चक्की लिखा हुआ है ना, यहीं गेहूं मिलते हैं, बंद है यहाँ पर पूरा मार्केट बंद है। फिर भी ये देखिए अब कोशिश जारी है इसकी जाने की। किसके यहाँ जाएगा दिख रही, अच्छा उसकी सामने जा रहा है दोस्तों एक और दुकान पे, वहाँ जा रहे हैं हम। यहाँ पर बंदे भैया 30 रुपए की गेहूं दे दो, तो यहाँ पर कुलदीप जो दिखाएगा आपको कितने रुपए का लाया, 30 रुपए की गेहूं। पूजा के लिए अलग से लाए हैं दोस्तों हम गेहूं, हमारे उसमें खाने वाले में मिक्स थे इसलिए। ये देखो हम जाते हैं तो हमारे साथ साथ ये भी गया था और हमारे साथ साथ वापिस आ भी गया है देखिए। तो अब जा रहे हैं हम गाय माता को चारा खिलाने। सही मायनों में एक बात बताऊं, गाय माता हमें खिलाती है, हम उनको नहीं। हमारा सौभाग्य है कि हम चारा खिलाने जा रहे हैं, वरना देखा जाए तो गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते। गाय माता तो नहीं लेकिन बढ़िया हट्टा कट्टा सांडूड़ी मिल गया। ले बेटा सांडूड़ी खा ले चारा, एक ही बार सट कर जाएगा दोस्तों, जैसा इसका शरीर है इस हिसाब से तो कितना बड़ा शरीर है देख सकते हो, आराम से खा लेगा ये। क्यों रे तू मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, आराम से कार के नीचे सो जाना, अब तो बिस्कुट और खाना पानी तो हो ही गया, आराम से सो जा, इधर उधर मत डोल मेरे पीछे पीछे, ये मेरे पीछे पीछे चलते रहते दोस्तों। ये तो फिर भी ठीक है, वो डोकरी तो मेरे साथ पतासे खाने और उधर उधर तक चल जाती है, दूसरे के डॉगी के इलाके तक, जब रात में दूसरे डॉग्स को बिस्कुट खिलाने जाता हूँ उस इलाके तक चल जाती है, तो कभी कभी मुकालात भी जाता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा मेरे पीछे पीछे भी नहीं आएगी। देखो कितनी प्यास लगती है दोस्तों, इसको देख लो, पहले भी पानी पिया था अभी भी पानी पी रहा है, तो इसको देख के अगर आपने अभी तक अपने घर के बाहर पानी की व्यवस्था नहीं करी बच्चों के लिए, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो इस दुनिया में आके, इसलिए प्लीज़ पानी की व्यवस्था करिए, गर्मियों में बहुत प्यास लगती है इनको। देखो अभी थोड़ी सी देर बाद ही कितना वापस प्यास लगती है इसको, जीव सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य के काम है दोस्तों। कुलदीप इतना बड़ा मेंढा है, इधर का गेट बंद कर रखा है, उधर का गेट बंद कर रखा है, वो फिर मेरे से बोल रहा है उधर से आ जा, मैंने बोला उधर से तो कैसे आऊँगा गेट ही बंद है, क्या बोल रहा मैंने नहीं खोला तू निकल, पता नहीं क्या पागलपंती करता रहता है फटाफट। ये रहे दोनों गुंडे, गुंडा नंबर वन गुंडा नंबर टू, ठरकी नंबर वन ठरकी नंबर टू। ए ज्यादा मत बोल कुलदीप, तो फिर भी थोड़ा सा गुंडा ठरकी हो सकता है, मैं थोड़ी हूँ, मेरी बहुत इज्जत है यूट्यूब पे, क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे। अरे बहुत इज्जत है तेरी तो, तेरी तो बहुत इज्जत है साली। ए साली नहीं हूँ मैं साला हूँ, कम से कम लड़का तो बोल मुझे। ये लड़का है लड़का। ये दोस्तों कुलदीप जो है मेरी वीडियो बनाने में मदद नहीं कर रहा है, अभी जाके सेबो ने बोला जब जाके आए वीडियो बनाने, नोट करके रखना डायरी में आप भी। थक गया था मैं, हाँ थक गया था ये, इतनी सी देर में थक गया ही, अभी आपके सामने पांगे की तरह यूं 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 कर करके ये चक्की तक गया और वापस आ गया, थक गया। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मैं अभी उठा था, उठने से लेके अभी तक मंजन तक नहीं किया था, तभी इतने काम करने पड़ते हैं मुझे, पापा की सेवा, कपड़ी की सेवा, बाहर बच्चों की सेवा, बहुत जिम्मेदारी है दोस्तों। अब जाके मंजन करूंगा मैं, बाकी काम मैं करता हूँ दोस्त, सो के उठा अभी तक, ये काम है इसका भी, 11:30 बज गए, इसने एक काम किया चक्की पे ऐसे जाने का, बस अब करेगा दिन में करेगा, तो इधर वो भी दिन में क्या करता है सामान लाने का काम है इसका मोटा मोटा बाहर का, बस मंजन करके दिखाता हूँ आप, रुक जाइए आप एक बार, मंजन को ऐसे लेते हैं इधर, ये मंजन दिखाइए करिए, ये देखिए मंजन ऐसे लेते हैं और फिर ऐसे पानी में भिगोते हैं, ये कुल्ला करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम अभी क्या कर रहे हैं, मुंह पोछ रहे हैं, ये देखिए आप। अरे क्या फालतू बातें बता रहे हैं, कभी मंजन कैसे करते हैं, कभी मुंह कैसे पोछते हैं, कि पागल है क्या, मेरी ऑडियंस को तूने अनपढ़ समझ रखा है क्या, ऐसे झूठ मारूंगी गिनने वाले नहीं मिलेंगे। सजना है मुझे सजना के लिए,
जरा उल्जी लट सवार लू कैसे गा रही है गाने तू? शरण नहीं आती तुझे ऐसे गाने गाते लुगाइयों की तरह? अरे मैं तो लुगाई ही तो हूँ, तूने लुगाई बनाया तो थोड़ी लखन तो आएंगी थी ना। तो दोस्तों हमारे नाश्ते का टाइम हो चुका है, ये मेरा पोया और ये हमारी गपुड़ी का सोयाबीन की चंक्स और इधर से चावल। और मैं हल्की सी अपने में पोए पे छिड़क लेता हूँ बढ़िया से मिक्सचर, मिक्सचर छिड़कता हूँ मिक्सचर और ये हल्की सी गपुड़ी की छिड़क देता हूँ। तो कर लेते हैं दोस्तों गपुड़ी और मैं नाश्ता फटाफट, क्योंकि अभी टाइम जो है वो 12 o'clock होने वाला है। मेरे पापा की ड्रेसिंग कराने जाना है हमको हॉस्पिटल में, इसलिए कार से जाएंगे, इसलिए हम फटाफट नाश्ता कर लेते हैं गपुड़ी और मैं। अभी तो गपुड़ी का तो नाश्ता गर्म है, जब ठंडा आएगा तब गपुड़ी अपना आप कर लेगी। रख देता हूँ नीचे, गर्म बेटा अभी गर्म है देखना हिसाब से। अरे गर्म तो क्या हुआ, खा लूंगी मैं तो। सोयाबीन की चंक्स बढ़िया लगती है मुझे। मम्मी जो है दोस्तों वो आज दस्सा डोरा है, उसकी पूजा करने जा रही हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं अपना पोहे खा लेता हूँ, फिर मेरे सर आएंगे उनके साथ, पापा को कार में लेके ज्ञान शांति हॉस्पिटल जाएंगे कोटा में, वहाँ पर उनका ड्रेसिंग होगी। तो ये हम निकल पड़े ज्ञान शांति हॉस्पिटल की तरफ। ज्ञान शांति हॉस्पिटल के अंदर का कुछ ऐसा है दोस्तों, जो ये सामने वाला रूम है यहाँ पर ड्रेसिंग हुई पापा की। बाहर से ये हॉस्पिटल इस प्रकार का दिखता है। मेडिकल वाले के यहाँ जाके मैंने उनके लिए दवाइयाँ ली, फिर पापा को हम हॉस्पिटल से बाहर लेके वापस से निकल पड़े अपने घर की तरफ। और बढ़िया इलाका हो गया यार एक बात है, कोटा सिटी मॉल की तरफ मजा आने गया, यहाँ सारे स्टूडेंट के जैसे चमक गया इलाका। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल से, पापा को वापस अपने रूम में शिफ्ट कर दिया है। और अभी जैसे आया वैसे गपुड़ी मेरा इंतजार कर ही रही थी, ये देखिए इसको अभी भी घुमा के लाया हूँ बाहर से, सूचू वूचू कराया, तभी मेरी नजर पड़ी पास वाली आंटी ने चारा डाला था गाय को, तो उनका चारा लेके भी डाल के आया हूँ यहाँ से गाय को, थक गया वो भयंकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो खीरा काटा जा रहा है। चुकंदर यहाँ पर चुकंदर काट रहे हैं, खीरा काट रहे हैं, सलाद। और इधर दिखाता हूँ आपको और क्या व्यवस्था है, आटा गूंद दिया गया है रोटी के लिए, और ये हमारी बटर भिंडी, भिंडी मसाला, तो ये भिंडी खाएंगे भी हम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रोटी भिंडी, ये ऐसे नहीं उतरती मेरे गले से, कुछ भी हो या फिर बैंगन की सब्जी भी हो, इसके बिना छाछ बटर मिल्क इंग्लिश में कहते हैं, तो ये मंगाई हमने और वो जोरदार है, इसको खाएंगे आप। गपुड़ी भी चुकंदर खाता है। हाँ, मैं भी चुकंदर खा के मुंडा लाल कर लेता हूँ दोस्तों, ये देखो जिबान लाल हो गई। दे लो मड़ी को कैसे खा रही है सलाद। तो अब मेरे पापा ने दोस्तों जो हॉस्पिटल गए थे बहुत थक गए हैं, अब मेरे पिताजी के लिए सात्विक थाली ले जाई जा रही है ताकि वो अपनी शक्ति बढ़ाए शरीर की। चलिए उनके पास सात्विक थाली लेके, ये सात्विक बच्चा इधर ही रहेगा, तू इधर ही रहना बच्चे। सात्विक थाली आ गई, पापा की सात्विक थाली, ये लीजिए सात्विक थाली। हमारा जो स्टूडियो था दोस्तों ये देख सकते हो आप, पूरा वार्ड बन चुका है, गोली दवाइयां वहीं और सब चीजें मेरे पापा की। अब यहाँ मैं और कपूरी हम फिर से बेदखल हो गए इस रूम में, जब बच्चा आता है नीलू दीदी का तब भी बेदखल होते हैं, आज अब मैं भी खाऊंगा मेरी सात्विक थाली, छाछ रोटी खीरा चुकंदर खड़बूजा ककड़ी, एक ककड़ी थोड़ी है ये क्या है, भिंडी। तो ये थाली लग चुकी है, थाली मास्टर यहाँ पर बैठ चुके हैं, थाली मास्टर, ये थाली मास्टर इसलिए बैठते हैं कि इनको भी चाहिए, इनको तो हो गया ना। हाँ, थाली मास्टर फ्री हो चुके हैं, फिर भी ऐसी नियत क्यों डालते हैं समझ में नहीं आता मुझे। आजा तेरा टैक्स दे दूं तुझे, ले मीठा खड़बूजा, मीठा खड़बूजा। क्यों नहीं खा रहा, थूक दिया ऐसा नहीं है दोस्तों, ये क्या बड़ा पीस देता ना इसलिए पसंद नहीं आता, छोटा पीस करके दूंगा तो खा लेगा देखना, फिर ऐसा खाएगा देखना, ये टिंगा कर दिया दो टुकड़ों में कर दिया, खा ठीक है इज्जत से खाती हूँ मैं, दो पीस करके देकर खाऊंगी, नहीं तो रब नहीं भा रहा मुझे, ये देख मटके कर पानी ले बिट्टू कूल कूल वाटर। चलिए दोस्तों हमारा शुद्ध सात्विक भोजन स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेके, जय हनुमान जी की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, स्टार्ट करते हैं सात्विक भोजन।
हटिया छाछ। दोस्तों अभी दिन की छाछ पी के एकदम नींद आ रही है, इसलिए सब घर में नींद खा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये कुलदीप अभी भी जग रहा था, अभी सोया है। मम्मी भी नींद खा रही है और ये हमारा प्यारा कपड़ी द प्यारी बिटिया ये भी नींद खा रही है। चिगम बेबी छोड़ चिगम, अच्छा चिगम छोड़ दू। ये देखो ये कैल्शियम की कमी पूरा करती है मार्बल से चाट चाट के। अभी मैं इसके पास सो रहा था ना, तो मैं बताऊँ क्या कर रहा था, मैं इसके चुम्मी भी दे रहा था ऐसे कर करके। मेरी चुम्मी बिटिया, मेरी चुम्मीड़ी कि बहुत चुम्मी लेता हूँ मैं सोते सोते, आपको पता नहीं है। चल जा नींद खा लो। हाँ खा लो, पापा भी सो रहे हैं, चल जाओ। तो दोस्तों अभी नाइट वॉक चल रही है, यहाँ पर गप्पूड़ी जो है वो प्रेशर बना रहा है और अभी हम घूम रहे थे। फिर मैंने इन बच्चों को भी बिस्कुट दे दिया, ये बिस्कुट विस्कुट खा लिए इनने, बढ़िया। आज दूध खत्म हो गया इसलिए दूध भी नहीं दिया। ये दोस्तों और गप्पूड़ी जी हमारी इवनिंग वॉक करती हुई। इवनिंग वॉक करूंगी, वजन घटाऊंगी। सर थोड़ा मुझे थोड़ा मेरे को वजन घटाने को है, बदनाम कर रही थी। मोटी होगी मैं पतली होके दिखाऊंगी, लेकिन मेरे साथ भाग नहीं तो मैं दौड़ूंगी नहीं। चल घर चल, थक गई मैं, घर चल चल। ले लोमड़ी को घर चल, घर चल कर रही, चल आजा, चलो घर पे। मैं दो रन काफी है आज के लिए। तो यहाँ पर आ चुकी है हमारी प्यारी गपुड़ी, मम्मी कुलदीप हम सब आ चुके हैं नाइट वॉक करके। अब ये पानी पिएगी जाके, जैसा कि मुझे पता है पानी तब तक पियूंगी ना जब तू भर के रखी था। देखो दोस्तों मेरी करीबी, देखो पानी भी नहीं मिलता घर में मुझे चैन से। ए बदनाम करती है, चिल्ड वाटर मिलता है तुझे मटके का। मम्मी इस बच्चे के लिए चिल्ड वाटर भरो, मटके का चिल्ड वाटर पिएगा ये, मटके का चिल्ड वाटर। मटके का पानी अब बढ़िया है, ठंडे पानी पी के। अभी रात की 10 बज रही है और ये देखिए दोस्तों कुलदीप मम्मी गन्नू और इधर ये मेरे पापा, हम सब मिलके स्त्री मूवी देख रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हम पिक्चर विद फैमिली हमारी गपुड़ी। बट इस गपुड़ी को दोस्तों अभी हमने खाट से बांध रखा है, कारण आपको पता है पापा के पाँव पर कूद सकता है, लेकिन हम इसको अकेले भी नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ रख रखा है। जब उधर जाएंगे तो आराम से खोल देंगे, मैनेज करना पड़ता है क्या करें दोस्तों, वरना गपुड़ी और पापा की टांग तोड़ सकता है। कुचर भी रही मम्मी इसकी यहाँ पर, देखो मैं भी कुचर रहा हूँ एक हाथ से। गपुड़ी बहुत बुरे दिन आ गए तेरे, तो पापा से भी नहीं मिल पाता है चक्कर में, तो डोंगे देख लेता उनको टुकु टुकु। लेकिन तो दोस्तों नाइट की 12 o'clock हो चुकी है और अब भयंकर जोर से नींद आ रही है, और ये देख सकते हो आपकी प्यारी गपुड़ी जो है इसके मैं कुचर रहा हूँ इधर, मेरे पास जैसे होती है ऐसे। तो बस अब थक गए, अब सो जाते हैं दोस्तों, गुड नाइट। अरे तू क्यों बोल रहा है, मैं बोलूंगी मैं दोस्तों।